हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? हैप्पी संडे फंडे। तो आज हम करने वाले हैं एक यूनिक सी चैलेंज, जिसमें हम बहुत सारी चॉकलेट्स मिक्स करने वाले हैं और उनसे एक ड्रीम केक बनाने वाले हैं। फिलहाल तो हमारे पास यही वाली चॉकलेट है, तो चलो फटाफट से जाते हैं और चॉकलेट्स लेके आते हैं। तो रास्ते में हम यही बात कर रहे थे कि केक के थर्ड एंड फोर्थ लेयर में हम क्या क्या ऐड करेंगे एंड उसके लिए एग्जैक्टली आज हमें कौन सी चॉकलेट्स मिल पाएगी। तो आ गए हैं हम ग्रोसरी मॉल। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज मिल जाएगी चॉकलेट्स की। तो चलिए फटाफट से चलते हैं चॉकलेट्स वाले सेक्शन में और एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखी बहुत सारी मिनी चॉकलेट्स लाइक सिल्क, डेरी मिल्क, जेम्स, फाइव स्टार, किटकैट एंड मच मोर। तो हमारी चैलेंज हो गई है स्टार्ट। फटाफट से ऐड करते हैं ये सारी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स इन अवर कार्ट। इनमें से कुछ कुछ चॉकलेट्स हमने ऑलरेडी ट्राई की हुई है, लेकिन बहुत सारी हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे एंड डेरी मिल्क सिल्क में तो बहुत ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो हमने सारी सिलेक्ट कर ली एंड फाइनली बहुत सारी चॉकलेट्स हमने कार्ट में रख दी है। तो पहले हमने ये सारी बड़ी बड़ी साइजेस की चॉकलेट्स ट्रॉली में रखी थी, बट फिर हमने सोचा कि चॉकलेट्स के बहुत सारे ऑप्शंस लेने हैं, तो सभी कैटेगरीज की रेगुलर साइज वाली चॉकलेट्स लेंगे तो भी बहुत सारी क्वांटिटी बन जाएगी। इसीलिए पहले जो हमने चूज की थी वो वापस रखी एंड वन बाय वन ये सेक्शन में से चॉकलेट्स सिलेक्ट करते गए एंड उनमें से ना कुछ कुछ चॉकलेट्स में 2-3 डिफरेंट वेराइटीज थी, लाइक ये फाइव स्टार में 3 डिफरेंट टाइप्स थी, तो हमने ये वाले सिलेक्ट की। एंड डेरी मिल्क सिल्क में तो हमें पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली इतनी सारी वेराइटीज अवेलेबल है, सो लाइकवाइज हमने जो जो चॉकलेट्स के ऐसे डिफरेंट टाइप्स है उनमें से एक एक सिलेक्ट कर ली। क्या आपने हर्शीज की चॉकलेट्स कभी ट्राई की है? हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो जब तक मैं और मम्मा ये सारी चॉकलेट्स ट्रॉली में रख रहे हैं, तब तक आप अपनी 3 मोस्ट फेवरेट चॉकलेट्स कमेंट में बताना, लेकिन हाँ इनमें से 3 मोस्ट फेवरेट। तो यहाँ से तो हमें बहुत सारी चॉकलेट्स मिल गई, लेकिन चॉकलेट कंपाउंड नहीं मिला, तो चलिए वो दूसरे मॉल में जाके देखते हैं। रास्ते में ना हमने 2 ब्रांड न्यू व्हीकल्स को हाय कहा, एक बाइक एंड एक स्कूटर। हम ये वाले मॉल में चॉकलेट कंपाउंड तो लेंगे, लेकिन साथ साथ में ये भी देख लेंगे कि हमने कोई चॉकलेट नहीं ली हो, वैसी चॉकलेट यहाँ पे है क्या? अरे हाँ, पर्क तो रह गई थी जो यहाँ पे मिल गई। वाओ, यहाँ पे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स है, लाइक चोको क्रैकर, बेल्जियन चॉकलेट, हेजलनट चॉकलेट, व्हाइट एंड डार्क चॉकलेट्स तो है ही, बट मिल्क कंपाउंड नहीं है। क्या आपने हैप्पी बर्थडे मिल्क चॉकलेट कभी ट्राई की है? कमेंट्स में बताना। हमारी केक के एक लेयर के लिए ना हमें डार्क कंपाउंड चाहिए, बट मिल्क कंपाउंड हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं था। यहाँ पे ये व्हाइट कंपाउंड तो है, लेकिन चॉकलेटी कंपाउंड नहीं है, तो आई थिंक हम मिल्क चॉकलेट ले लेते हैं। अब बाकी की सारी चॉकलेट्स तो आ गई है, सो बिलिंग करवा के जाते हैं घर। तो आ गए हैं हम घर पर। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि हमने कौन सी चॉकलेट्स फाइनली सिलेक्ट की एंड उसके बाद हम बनाएंगे केक। तो ये सारी है हमारी चॉकलेट्स एंड एक्चुअली हमें नहीं पता था कि सनफीस्ट की भी चॉकलेट आती है, तो जैसे ही हमने देखा ये वाली भी ऐड कर दी। फिर नेस्ले की ये है मिल्की बार, किटकैट एंड मंच एंड कैडबरी की ये सारी चॉकलेट्स है, और क्योंकि इसमें सिल्क में बहुत सारे ऑप्शंस थे इसलिए हमने चूज किया ये ओरियो वाला पैकिंग। इसमें भी बबल एंड आलमंड एंड नट्स वगैरह का ऑप्शन था, जिसमें से हमने चूज की ये क्रैकल। एक ये वाली डेरी मिल्क तो ऑफकोर्स लेनी ही थी, देन पर्क, फाइव स्टार, क्रिस्पेलो एंड फ्यूज एंड yes, जेम्स और ये नटीज भी है एंड हर्शीज की भी हमें 2 डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स दिखी थी, जिसमें से हमने ये वाली चूज की थी। ये है गैलेक्सी की न्यू वाली चॉकलेट। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है मिल्क चॉकलेट्स। तो केक का बेस ऑलरेडी मम्मा ने आज बना ही लिया है, इसलिए अब हम बनाएंगे उस केक को 5 लेयर ड्रीम केक। तो इस बार मम्मा ने केक के बेस का फ्लेवर चॉकलेट ही नहीं वेनिला फ्लेवर दिया था एंड ये यूनिक शेप के फ्लावर वाले मोल्ड में रख के कुकर में रख दिया था। तो ये है हमारी केक का बेस। तो एक्चुअली 5 लेयर ड्रीम केक ना मम्मा ने थोड़े टाइम पहले भी बनाई थी, लेकिन तभी ये जो बेस था वो चॉकलेट फ्लेवर का था एंड सूजी का बना था, लेकिन इस बार ये बेस वेनिला फ्लेवर का है एंड यहाँ पे मम्मा बना रहे हैं चॉकलेट सिरप। तो चलिए वन बाय वन इस केक की लेयरिंग देखते हैं। तो ये है हमारी केक का ऊपर से व्यू, एकदम ही स्पॉन्जी केक है। हाँ, एंड नीचे से व्यू कुछ इस टाइप का है, तो हम केक को अपसाइड डाउन इस तरह से रखने वाले हैं। तो वैसे केक का बेस तो बन गया, बट मुझे लगता है लास्ट टाइम जितना फ्लफी नहीं बनाया। लास्ट टाइम जो 5 लेयर बनाया था ना, तो एकदम ही फ्लफी बनाया था। मम्मा इस बार वो स्टील का यूटेंसिल नहीं लेना है इसे असेंबल करने के लिए? नहीं, स्टील का एक्चुअली ये फ्लावर शेप का है ना, तो हमारे पास स्टील में कोई फ्लावर शेप नहीं है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि राउंड बनाया था, तो फिर राउंड हमारे पास कंटेनर था स्टील का, तो उसी में असेंबल कर दिया था।
तो इस बार ऐसा करेंगे जिसमें बेक किया है उसी में असेंबल कर देंगे। कोई बात नहीं, ऐसे शेप का तो हमारे पास और कोई यूटेंसिल है नहीं, तो इसी में असेंबल करेंगे। बट आई थिंक जगह है इसमें, हो जाएगा अच्छे से असेंबल। हाँ वो तो अच्छे से हो जाएगा। एंड अब फोक से मम्मा इसमें छोटे छोटे होल्स कर रहे हैं। बाय द टाइम मम्मा ने चॉकलेट सिरप भी बनाया था तो उसको पोर कर देते हैं। तो ये एक्चुअली बनेगी हमारी चोको वेनिला केक। हाँ लास्ट टाइम सिर्फ चॉकलेटी केक थी ना। हाँ एंड सेकेंड लेयर के लिए हम यूज करेंगे चॉकलेट मूस। तो जैसे कि इसमें इंस्ट्रक्शंस दी होती है कि इसको सबसे पहले फ्रीजर में सेट होने के लिए रखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा मिल्क ऐड करके फटाफट से फ्रीजर में रख दिया। तो अब नेक्स्ट लेयर हम किसका बनाएंगे? नेक्स्ट ये सारे चॉकलेट्स हम ले रहे हैं और ये थर्ड लेयर बनेगा हमारा। ओके ये चॉकलेट्स एंड उसके साथ आएगी ये क्रीम। मतलब ये थर्ड लेयर बनेगा क्या? थर्ड लेयर बनेगा हमारा गनाश। ओके तो उसके लिए ये क्रीम यूज होगा ना। हाँ एंड ये सारी हमने जो चॉकलेट्स ली है वो भी यूज होगी। डन। तो मम्मा ये सारी चॉकलेट्स मैं ओपन करके इसमें डाल दूँ? व्हाई नॉट। अब फटाफट से बाकी की सारी चॉकलेट्स को अनपैक करते हैं। तो हमारा मूस बनके रेडी हो गया है, इसलिए मम्मा ने उसको फटाफट से ऐड कर दिया और ये बन गया हमारा सेकेंड लेयर। और जब तक मम्मा सेकेंड लेयर बना रहे थे तब तक मैंने कर ली ये सारी चॉकलेट्स अनपैक एंड नेक्स्ट लेयर इन्हीं चॉकलेट से बनेगा। वैसे क्या आपने कभी ड्रीम केक या फिर 5-in-1 टॉर्ट केक ट्राई की है? अगर की है तो होममेड ट्राई की है या फिर बाहर ट्राई की है? एंड वो आपको कैसी लगी जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताना। वैसे ये जो सारी चॉकलेट्स है ना उनमें से कुछ कुछ चॉकलेट्स एकदम क्रिस्पी है, कुछ हार्ड है, कुछ बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो जब हम इन सारी चॉकलेट्स को एक साथ मिक्स करेंगे तो ये कैसी टर्न आउट होगी वो तो पता नहीं, वो तो जब हम करेंगे तभी पता चलेगा। एंड क्योंकि आप लोगों को ASMR पसंद है इसलिए ये है डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स का ASMR। एंड यस यस इसमें ये पजल दी है सॉल्व करने के लिए। कुछ चॉकलेट्स ना इस तरह से ब्रेक हो गई थी। सारी चॉकलेट्स तो हमने अनपैक कर ली है, अब हम इस बॉल में सारी चॉकलेट्स डालेंगे एंड साथ में ये मिल्क क्रीम। तो सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स को हमने एक बॉल में ऐड कर दिया है और अब हम ऐड करेंगे ये फ्रेश क्रीम। तो ये चॉकलेट एंड क्रीम रेडी है डबल बॉयल होने के लिए और ये बनेगा इस केक का थर्ड लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पैन में हॉट वाटर डाल के बॉईल करने की ट्राई की बट जल्दी जल्दी बॉईल नहीं हो रहा था, फिर हमने ये वाले मेथड से बॉईल कर लिया। एंड क्योंकि इनमें से कुछ कुछ चॉकलेट्स नट्स वाली है एंड क्रिस्पी है इसलिए इस तरह से मेल्ट हुई। तो हमारा थर्ड लेयर रेडी है। एक्चुअली मंच एंड पर्क वगैरह जैसे चॉकलेट्स ऐड की ना इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा अभी क्रंच है एंड अब ये हम रखेंगे सेट होने के लिए। तब तक ये फोर्थ लेयर की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। So here it is. Now 1, 2, 3 and ये चॉकलेट मेल्ट हो गई। तो इसे फटाफट से हम एज अ फोर्थ लेयर स्प्रेड करेंगे। सारी चॉकलेट्स मेल्ट करके ऐड करने वाले प्रोसेस में तो इतना मजा आ रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो 15 मिनट्स में ये काफी अच्छे से हार्ड हो गया है, अब फटाफट से कोको पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं। सो फाइनली हमारी 5 लेयर ड्रीम केक रेडी है। एंड ये जेम्स कलर्ड होती है ना इसलिए हमने साथ में मेल्ट नहीं की थी, तो फटाफट से इसे भी यूज कर लेते हैं। और हमने सोचा सेंटर में थोड़ा सा ही डेकोरेशन करते हैं क्योंकि वैसे तो ये केक बनके रेडी है। एंड अब आप रेडी रहिए ये आवाज सुनने के लिए। तो ये था हमारा 5 लेयर ड्रीम केक का आवाज। एंड जब केक का एक पीस कट किया तो इतनी अमेजिंग लग रही थी ना। अब चलिए हमारा इस केक को टेस्ट करते हैं। वाओ
वाह काफ़ी डिलीशियस लग रही है। मतलब अभी तो ना सारी चॉकलेट्स मिक्स हो गई है तो पता ही नहीं चल रहा है, डेरी मिल्क का टेस्ट आ रहा है, मंच का भी आ रहा है, लाइक सारी चॉकलेट्स का मिक्स टेस्ट आ रहा है। हमें तो ये चैलेंज में बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको इस टाइप की कोई और चैलेंज चाहिए तो कमेंट्स में बताना। बाय बाय।